तो नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूँ रॉकस्टार डूड और आज हम बात करेंगे इंडिया के माइंड ब्लोइंग एक्सपेरिमेंट वीडियो के उस्ताद जिन्होंने दर्शकों के दिलों को हैक कर लिया है, यानी दिलराज सिंह के बारे में, जो कि मिस्टर इंडियन हैकर चैनल के ओनर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो बिना टाइटेनियम आर्मी को डिसअपॉइंट किए। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो दिलराज सिंह रावत का जन्म 8 जनवरी 1996 को अजमेर राजस्थान में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, जहां दिलराज के फादर एक किसान हैं और मदर एक हाउसवाइफ हैं। सो बचपन से ही खुफिया दिमाग के मालिक दिलराज को एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक था, यानी जो चीजें उन्हें स्कूल में ना करने को कही जाती वो वही किया करते थे, जैसे केमिस्ट्री लैब में केमिकल को मिलाकर आग लगाना और आतंक मचाना एटसेट्रा। वैसे उनकी स्कूलिंग डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर राजस्थान से हुई है और ट्वेल्थ के बाद उन्होंने अपने ग्रेजुएशन के लिए सम्राट पृथ्वीराज गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर राजस्थान में एडमिशन ले लिया। एक किसान के बेटे होने के नाते वो अपने फैमिली की हेल्प भी किया करते थे, इवन वो पैसा कमाने के लिए सब्जियां भी बेचा करते थे ताकि वो फैमिली की हेल्प कर सकें। वैसे वो नहीं चाहते थे कि वो फैमिली वालों से पैसे मांगे, इसलिए उन्होंने 2012 में पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे काम करना स्टार्ट कर दिया और अपने काम से मिले पैसों से उन्होंने अपना पहला स्मार्टफोन खरीदा। वैसे वो उस दौरान अपने स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे थे और मोबाइल लेने के बाद वो यूट्यूब में वीडियोस देखा करते थे। सो यूट्यूब में जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पर क्रिएट वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, तो क्यूरियोसिटी में आकर उन्होंने भी अपनी एक रैंडम वीडियो पोस्ट कर ली। वैसे इससे पहले उन्हें ये लगता था कि YouTube में केवल बड़ी बड़ी कंपनियां ही वीडियोस अपलोड कर सकती हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि कोई आम आदमी भी वीडियो डाल सकता है। खैर, जब उन्हें ये सब पता चला तो उन्होंने अपने फोन से एक वीडियो शूट कर अपलोड कर दी, बट वो वीडियो चली नहीं और ऊपर से उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो वीडियोग्राफी से रिलेटेड इक्विपमेंट ले पाए। उन्हें यहाँ तक खुद पे भी भरोसा नहीं था कि वो YouTube में आगे कुछ कर पाएंगे। उस समय उनका फोकस केवल यही था कि स्कूल के बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करके एक सरकारी नौकरी लग जाना। लेकिन कुछ ही सालों में अपने छोटे मोटे बिजनेस से उन्हें अच्छे पैसे मिलने लगे। उन्होंने वीडियो एडिटिंग सीखी और कुछ और पैसे इकट्ठा कर लैपटॉप भी खरीद लिया और इन सब के चक्कर में उन्होंने अब पढ़ाई पे ध्यान देना भी कम कर दिया। सो जैसे मैंने बताया कि उन्हें बचपन से ही चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करने का शौक था, तो उन्होंने सोचा कि यही एक ऐसी चीज है जो उन्हें बहुत पसंद है और YouTube में बहुत कम लोग इस टाइप के कंटेंट को बना रहे हैं। तो दिमाग में इस आइडिया के आते ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड अपना पहला वीडियो 14 जनवरी 2017 को अपलोड किया, जिसका टाइटल था हाउ टू ओपन लॉक, जिसपे रिस्पॉन्स ठीक ठाक रहा। उन्होंने उसके बाद अपने कंटेंट में मैजिक ट्रिक वाली सीरीज भी स्टार्ट की, जिसमें डिसेंट व्यूज आने लगे। उसी दौरान उनके एक वीडियो में 1000 व्यूज आ गए, जिसको देख के वो काफी मोटिवेट हो गए और भी ज्यादा साइंस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियोस डालने लगे। वैसे साथ साथ में उनका बिजनेस भी ठीक चलने लगा। इसी दौरान उनकी YouTube की पहली अर्निंग भी आ गई, जो करीब 10,000 रुपए थी। उन्होंने जब अपने घर वालों को अपनी अर्निंग के बारे में बताया तो घर वालों की आंखों में खुशी के आंसू थे। घर वालों को उन पर विश्वास था कि वो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। समय के साथ उन्हें पता चला कि YouTube एज ए करियर काफी सही चॉइस है, जिससे आप अपने जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, तो उन्होंने YouTube को सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया। इवन इसके चक्कर में उनकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी छूट गई। अब वो किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले प्रॉपर रिसर्च, गाइडलाइन को फॉलो करना और प्रिकॉशन का भी ध्यान देते हुए वीडियो बनाने लगे। काम के लोड बढ़ने और अच्छा कंटेंट डिलीवर करने के लिए उन्होंने अपनी एक टीम भी क्रिएट की, जहां वो अब अपने टीम मेंबर्स के साथ मिलकर डेडिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस बनाने लगे। धीरे धीरे यूथ के बीच उनका ये एक्सपेरिमेंट चैनल बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा, जिसके साथ उनके वीडियो की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ने लगी। यहाँ तक उनके एक दिन में दो दो वीडियोस तक आने लगी, वो भी अच्छे खासे कंटेंट के साथ। अपने दिन रात की कड़ी मेहनत के दम पर उनका मिस्टर इंडियन हैकर चैनल एक्सपेरिमेंट के फील्ड में इंडिया का नंबर वन चैनल बन गया, जिसका रीजन हर वीडियो के पीछे लगी मेहनत, टाइम और पेशेंस है। इवन उनकी कई वीडियो इतनी एक्सपेंसिव हो जाती है कि जो कभी कभार दर्शकों तक भी नहीं आ पाती, क्योंकि कभी कभी इन वीडियोस को कैप्चर करने वाले कैमराज भी टूट जाते हैं। खैर, उन्होंने इन एक्सपेरिमेंटल वीडियो के चक्कर में काफी नुकसान भी झेला है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट करने से पीछे नहीं हटते हैं, जिसे साफ साफ झलकता है कि वो और उनकी टीम काफी डेडिकेटेड है अपने काम के प्रति, जिसका रिजल्ट ये है कि आज मिस्टर इंडियन हैकर चैनल इंडिया के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट चैनल्स में से एक है। तो चलिए अब बात करते हैं सम फैक्ट्स अबाउट मिस्टर इंडियन हैकर। मिस्टर इंडियन हैकर ने गिव अवे में यामाहा R15 बाइक अपने एक रैंडम सब्सक्राइबर्स को एज ए गिफ्ट भी दी है। उन्होंने अभी तक डायमंड प्ले बटन के लिए अप्लाई भी नहीं किया है,
क्योंकि वो यूट्यूब रूबी बटन चाहते हैं, क्योंकि अभी वो अपनी सक्सेस से संतुष्ट नहीं हैं। मिस्टर इंडियन हैकर ने फेमस टीवी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में भी पार्टिसिपेट किया है। तो दोस्तों, आज मिस्टर इंडियन हैकर उस मुकाम पे हैं जहां पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। अपने हॉबी को एज ए करियर चूज करके उन्होंने ये साबित किया है कि चाहे हालात कैसे भी हों, हार नहीं मानना चाहिए। वो अपने काम के प्रति काफी समर्पित हैं, जिसे इस बात से पता लगाया जा सकता है कि जब उनके पास अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए केमिकल नहीं हुआ करते थे, तो वो सब्जी बेचते थे ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए केमिकल खरीद सकें। वो यूट्यूब को एज ए करियर चूज करने वालों को यही राय देते हैं कि अगर आपको भी मेरे जैसे यूट्यूब चैनल रन करना है, तो सबसे पहले सेफ्टी के बारे में सोचो और कोई भी ऐसा काम ना करो जो कि इलीगल हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने काम या फिर पढ़ाई को बीच में मत छोड़ो। हो सके तो कोई साइड बिजनेस करो। जब अच्छी अर्निंग आना स्टार्ट हो जाए तो आप YouTube को एज ए करियर चूज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे यूट्यूबर की इंस्पायरिंग स्टोरी लेके। तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि अब दुनिया बचाने भी तो जाना है।